ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज रंगीला में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की जहां है ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष और जिसे कहते हैं खाटू नगरी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शेखावाटी के नाम से सीकर जिले की। तो आइए देखते हैं शेखावाटी के रंग और रंग जानते हैं रंगीले राजस्थान के रमणीय सीकर जिले के बारे में। सीकर को शेखावाटी और बांगड़ प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। सीकर का क्षेत्रफल है 7,742 वर्ग मीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ निवास करते हैं 26,77,737 लोग। सीकर जिले में है 6 तहसीलें। 72.8% के साथ सीकर राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता में चौथे स्थान पर है। सीकर जिले का लिंगानुपात है 944। सीकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है। गुलाबी शहर जयपुर के बाद ये दूसरा सबसे अधिक विकसित शहर है। यहाँ पर तरह तरह के प्राकृतिक रंग देखने को मिलते हैं। सीकर जिले को राव राजा माधो सिंह जी ने बसाया था। इन्होंने अपनी रानी के लिए चिकनी मिट्टी की भगवान गणेश की मूर्ति बनवाई और अपने गढ़ के सामने गणेश मंदिर में स्थापित करवाया, जो कि आज भी सुभाष चौक पर स्थित है। सीकर से लगती है झुंझुनू, चूरू, नागौर तथा जयपुर जिले की सीमाएं। ऐतिहासिक रूप में बीरमान का बास के नाम से जाना जाता है सीकर। सीकर में था शेखावाटी राजाओं का शासन। माधु सिंह ने बनवाया था प्रसिद्ध गोपीनाथ जी का मंदिर। सीकर सुंदर बस्ती, मुगल युग, वास्तुकला, महलों और स्मारकों की विशेषता और रंगीन हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। सीकर से अनेकों प्रतिष्ठित लोगों का जुड़ाव रहा है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल का ससुराल सीकर जिले में है। रंग रंगीला राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह एक बार फिर से प्रदेश की लोक कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के खजाने के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।